स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। याद हो आपको हमने कल की वीडियो में बताया था 80SC के जो है आपके एग्जाम कैलेंडर को लेकर। तो फाइनली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रस्तावित जो है परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल से आपको ये मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा वो होगा स्केलर का, जो कि आपकी 15 मई को होगी और शारीरिक नापजोक होगा, यानी कि पहले फिजिकल होगा। याद हो इससे पहले हमने एक रिसेंट वीडियो में आपको बताया था कि मई के सेकेंड वीक से आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो लीजिए पहला एग्जाम मई माह में आपका होगा जो है स्केलर का, फिजिकल होगा। नेक्स्ट होगा होम गार्ड नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत आप देख सकते हैं जो शारीरिक परीक्षा होगी 1 जून को होगी, यानी कि पहली जून को, यानी कि जो दूसरा बड़ा एग्जाम है हवलदार का। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं आबकारी विभाग सिपाही और इस सब के लिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा जो कि जस्ट 8 दिन के बाद यानी कि 9 जून को हो जाएगा। नेक्स्ट पदनाम अनुदेशक का जो है आप देख सकते हैं वो 26 से लेकर 29 जून को होगा। अगला सहायक अध्यापक LT का जो है 30 जून को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जून का महीना होने वाला है। इसमें 3 बड़े एग्जाम जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी हो गए हैं डेट से। उसके अलावा वाहन चालक, जी हाँ आप देख सकते हैं जो वाहन चालक है उसका जो एग्ज़ाम है आपका 7 जुलाई 2024 को होगा। अगला जो है सहायक भंडारी का 14 जुलाई को। अब उसके बाद स्केलर का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपके फिजिकल के जस्ट जो आपका यानी कि मई में आप सुन लीजिए जून जुलाई अगस्त यानी जस्ट तीसरे महीने में आपको उसका रिटर्न भी देखने को मिलेगा स्केलर का। नेक्स्ट जो है आपका पदनाम होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और हवलदार का जो रिटर्न होगा अगस्त माह में ही होगा। तो आप देख सकते हैं 9 बड़े यानी कि 3 अगर मैं करूँ तो मई जून जुलाई अगस्त, तो इन 4 महीनों में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 9 एग्जाम कराएगा, वो फिजिकल और रिटर्न दोनों मिला के। तो बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। जल्दी आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। हालांकि ये बीच में हो सकता है प्रस्तावित है, थोड़ा बहुत इसमें अल्टरनेट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने 1 तारीख से मुकरने में माहिर है। देखते हैं उम्मीद क्या है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।